व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच? टॉप डाउन किसी इन्वेस्टर या फंड मैनेजर के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने का एक अप्रोच होता है। इस अप्रोच में आप टॉप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप मैक्रो लेवल फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे GDP, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक्सेट्रा। सेकेंडली आप सेक्टर लेवल फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कॉम्पिटिशन, डिसरप्टिव चेंजेस, एंट्री बैरियर्स एंड फाइनेंशियल्स। थर्ड स्टेप इज टू फोकस ऑन द कंपनी। मैक्रोस और इंडस्ट्री फैक्टर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एंड इट्स बेस्ट फॉर लार्ज कैप्स। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब टू ब्लिंकिट। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें। वॉट इज बॉटम अप अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच में आप सबसे पहले कंपनी को देखते हैं बेस्ड ऑन न्यूज, रिकमेंडेशन, इंटरनल एनालिसिस एक्सेट्रा। यह मैक्सिमम इंपॉर्टेंस स्टॉक सिलेक्शन को देते हैं। ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री फैक्टर्स एंड माइक्रो फैक्टर्स को भी देखते हैं, बट दैट इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द माइक्रो व्यू। फोकस कंपनी को आइडेंटिफाई करने में होता है बेस्ड ऑन न्यूज फ्लोज एंड फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। विच अप्रोच वर्क्स बेटर? वैसे दोनों अप्रोचेस के अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लार्ज कैप्स को देखते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच बेटर काम करते हैं एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए बॉटम अप अप्रोच बेटर काम करते हैं। जब पूरी इकोनॉमी बूम कर रही हो तो टॉप डाउन अप्रोच वर्क्स बेटर। हालांकि जब इकोनॉमी और मार्केट साइडवेज हो तो बॉटम अप अप्रोच स्टॉक सिलेक्शन के लिए बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।